बसम आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर है हमारे पास ट्वेंटी वन उसका एक्सरसाइज का पहला शार्ट क्वेश्चन देखें वो कहता वट आर आइसोटोप्स वट डू दे हैव इन कॉमन एंड वट आर देर डिफरेंस आइसोटोप उनमें कॉमन चीज़ें क्या होती हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है आइसोटोप होते क्या हैं देखें आइसोटोप आर न्यूक्लियर या फिर सेम चार्ज नंबर यानी दूसरा नंबर में अटामिक नंबर दूसरे लिहाज से आप उसको अटामिक नंबर कह सकते हैं बट डिफरेंट मास नंबर यानी अटामिक मास जिनका अटामिक नंबर सेम होगा लेकिन अटामिक मास मुख्तफ होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आइसोटोप्स कहलाएंगे उनकी देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी जो रिएक्शनज होंगे केमिकली वो सारे के सारे आइसोटोप्स के क्या होते हैं जितने भी एक एलिमेंट के बनेंगे वो सभी के सभी सेम होंगे बिकॉज वो कहता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन चार्ज नंबर यानी ऑटामिक नंबर पर वो डिपेंड करते हैं तो वो तो सेम रहता है जैसे मैं मिसाल दूँ आपको यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन के चेक करूँ तो ये बनाऊँगा प्रोटीयम हो जाएगा ये ड्यूट्रियम हो जाएगा और ये ट्रीटियम हो जाएगा देखें ऑटामिक नंबर तो नीचे सभी का सेम आ रहा है ना तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर ये सारे सेम है तो सेम ही होंगी डिफरेंस हैव डिफरेंट मैथ देर फोर दे हैव डिफरेंट फिजिकली प्रॉपर्टीज उनका मास देखें वन टू थ्री ये चेंज होता जाएगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी उसके बाद वट आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल वाई वाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल देर आर टू डिफरेंट रीज़न देखें वो कहता है यहाँ पर दो मुख्तलिफ रीजनज हैं उनके यानी कि अनस्टेबल होने की द इस्टेबिलिटी ऑफ है हैवी न्यूक्लियस कहते हैं पहली बात है द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन इज स्मॉल फॉर हैवी न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन एनर्जी जो जिसको बाइंड करके यानी उसने जोड़ा हुआ होता है आपस में वो कम हो सकती है एक न्यूक्लियन के लिए जो हैवी न्यूक्लियस होता है उसमें दूसरी बात है द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज द इंक्रीज ऑफ मास नंबर मास नंबर बढ़ने के साथ साथ वो क्या है रिपल्सिव फोर्स जो है वो भी इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्सिव फोर्स क्या हो जा होती जाती है बढ़ती जाती है जिस वजह से वो रह नहीं सकते और वो रेडियशन की सूरत में खारिज होते चले जाते हैं उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन इफ़ अ न्यूक्लियस हैज़ हाफ लाइफ ऑफ वन ईयर डज इट मीन दैट इट विल बी कम्प्लीटली डिकेड आफ्टर टू इयर्स एक्सप्लेन वो कहता है अगर किसी एलिमेंट की किसी न्यूक्लियस की अगर हाफ लाइफ एक साल है तो दो साल गुजरने के बाद या uh, हाँ दो साल गुजरने के बाद क्या वो सारे के सारा खत्म हो जाएगा देखिए हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज टाइम टेकन अ फार एन एटम टू डिस इंटीग्रेट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल नंबर यानी जितने होता है उसका आधा रह जाना अगर हाफ था सॉरी वन था तो हाफ लाइफ गुजारने के बाद वो आधा रह जाएगा आधा था तो वो हाफ लाइफ गुजारने के बाद एक बटा चार रह जाएगा देर फोर आ न्यूक् हाफ लाइफ ऑफ वन ईयर देन आफ्टर टू ईयर वन ऑफ फोर्थ ऑफ इट्स एटम ऑफ एरिजिनल एलिमेंट विल बी लेफ्ट सारे का सारा खत्म नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा उसका एक बटा चार हिस्सा बच जाएगा वर्ट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैम्पल डी केज आफ्टर टू हाफ लाइव हैव इलेफ्ट वो कहता है वर्ट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डी केज आफ्टर टू कितने सैम्पल डी के कर चुके होंगे आफ्टर टू हाफ लाइव हैव इलेफ्ट जब दो हाफ लाइफ गुजर जाएंगे देखें इफ़ एन इज ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम वो कहता है अगर टोटल जो है उसमें औरिजिनल नंबर जो है वो एन हो तो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ़ लाइफ तो एक बटा दो एन यानी वो एन टोटल थे तो एन का आधा रह जाएगा ना पहली हाफ लाइफ के बाद उसके बाद देखें जी आ, वो दूसरी हाफ लाइफ सिमिलरली की बात करता है कि दूसरी हाफ लाइफ जो है सेकेंड हाफ लाइफ वो वन ओवर टू और कितना रह गया था वन ओवर टू एन रह गया था ना तो इसका भी हाफ क्या हो जाएगा वन ओवर फोर एन रह जाएगा अब एटम्स डिकेड उसने पूछा था कि कितने एटम जो है वो डिके कर गए होंगे तो टोटल एन थे हमारे पास तो एन में से ये जो डीके कर गए उनको माइनस करेंगे इसका एलसीएम लेते हैं बटा वन ही हो जाएगा तो थ्री ओवर फोर एन आ जाता है तो ये थ्री ओवर फोर एन जो है एटम डिकेट कर गए अब फ्रैक्शन निकालनी है तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेट एटम इज इक्वल टू जो हमारे पास ये जवाब आया डिवाइडेड बाय टोटल उनको तो ये थ्री बाई फोर आ जाता है ठीक है उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम हैज़ हाफ लाइफ ऑफ वन पॉइंट सिक्स टैन पावर थ्री ईयर्स सिंस द अर्थ इज़ अबाउट फाइव बिलियन ईयर्स ओल्ड ज़मीन हमारी पाँच बिलियन साल जो है वो पुरानी है हाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई वी स्टिल कैन फाइंड दिस एलिमेंट इन नेचर वो कहता है हमें अभी भी ये जो है इसमें मिलता है नेचर में कुदरती तौर पर ये अभी भी मिलता है हालांकि इसकी हाफ़ लाइफ तो इतनी है ये इतने साल गुजरने के बाद ये आधा रह जाता है लेकिन हमारी जो ज़मीन है वो पाँच बिलियन साल पुरानी है देखें ऑल दो द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज वन पॉइंट सिक्स पावर थ्री ईयर्स दिस मीन्स दैट आफ्टर दिस टाइम द नंबर ऑफ एटम्स रेडियम रेड्यूज ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू वो उसके आधी रह जाएगी बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हाफ़ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट नीड्स इंफिनिट टाइम टू कम्प्लीटली ठीक है उसको डेफिनेशन की मदद से अगर चेक करें तो वो कहता है कि उसे मुकम्मल डीके करने के लिए इन्फिनिट लामहदूद टाइम चाहिए दे फॉर ड्यू टू दिस रीजन दिस एलिमेंट इज स्टिल फाउंड इन नेचर यह तो फाइव बिलियन इयर्स ओल्ड है तो वो कहता है इन्फिनिट टाइम चाहिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिस्क्राइब ब्रीफ अमाउंट ऑफ इंट्रेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन विद मैटर वेर इस टाइप ऑफ रेडिएशन रेडिएशन में तीन किस्म के पार्टिकल्स अल्फा बीटा और गामा पाए जाते हैं वो मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं वो कहते हैं कि आपने वो बताने देखें आंस आंस में व्हेन एल्फा पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद मैटर दे प्रोड्यूस्ड आयोनाइजेशन ड्यू टू डायरेक्ट कुल्लियन और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अल्फा जो ही टकराना टकराता है किसी भी मटेरियल के साथ वो जाकर वहाँ पर क्या शुरू कर देता है डायरेक्ट क्लाइन की वजह से वहाँ पर आर्गनाइजेशन क्रिएट करता है उसके बाद बीटा है बीटा पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद मैटर दे प्रोड्यूसड फीबल आर्गनाइजेशन देयर आर्गनाइजेशन पावर इज हंड्रेड टाइम लेस देन अल्फा पार्टिकल ये भी आर्गनाइजेशन क्रिएट जरूर करता है लेकिन अल्फा पार्टिकल से सौ गुना सौ दफा कम सौ टाइम्स इसकी जो मकदार होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो कम होती है उसके बाद है जी गैमर रेडिएशंस इंटरेक्ट विद मैटर इन द फॉलोइंग वेज एट लो एनर्जीज दे प्रोड्यूस ये आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक प्रैक्टिकल में आप पढ़ेंगे जब सेकेंड के पेपर हो जाते हैं तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कॉम्प्टन इफेक्ट है लाइट के जो हैं ये तीनों तजर्बात किए गए हैं इसमें पार्टिकल नेचर वेव नेचर वो देखा गया एंड एन इंटरमीडिएट एनर्जी जब ये लो एनर्जी पे इंटरेक्ट करता है तो फोटोलैक्ट्रिक इफेक्ट होता है इंटरमीडिएट एनर्जी यानी दरमिया एनर्जी जब इसमें होगी ना ज़्यादा ना कम तो ये कामटन इफेक्ट पैदा करता है और अगर हाई एनर्जी होगी तो ये पेयर प्रोडक्शन पैदा करता है न्यूट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली पेन्यूट्रेटिंग पार्टिकल्स दे नोक प्रोटोन्स आउट अ सर्टेन एटम ये न्यूट्रॉन्स कम्प्लीटली पेन्यूट्रेटिंग मतलब ये किसी भी चीज़ में अंदर तक घुस सकते हैं इनके अंदर तक जाने की साहित बहुत ज़्यादा होती है और ये किसी भी चीज़ से टकरा कर वहाँ से प्रोटोन्स को खारिज करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है एक्सप्लेन हाउ एल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स मे आनाइज़ एन ऐटम विद आउट डायरेक्टली ए डायरेक्टली हीटिंग द इलेक्ट्रॉन्स अल्फा बीटा पार्टिकल्स वो कहता है डायरेक्ट हिट किए बगैर जो है ये पार्टिकल्स आर्गनाइजेशन क्रिएट करते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करने में फ़र्क क्या है देखें अल्फा पार्टिकल्स सेवन थाउजेंड टाइम हैवियर दैन बीटा पार्टिकल ये हैवियर uh, होता है मैं uh, उससे बीटा पार्टिकल से तो अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस आर्गेनाइजेशन ड्यू टू डायरेक्ट क्लेन आर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन दे ट्रेवल स्ट्रेट थ्रू अ मीडियम स्ट्रेट थ्रू अ मीडियम देयर फॉर अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स विद आउट डिफ्लैक्शन जो अल्फ़ा होगा वो सीधी लाइन में जो भी क्रिएट करेगा तो वो सीधी लाइन में ही मूव करता जाएगा द आयनाइजेशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज हंड्रेड टाइम लोअर देन एल्फा पार्टिकल दे आर ईजीली डिफ्लैक्टेड एंड शो इटिक यानी कोई बाकायदा नहीं होगा बेकायदा सा पाथ होगा ऑफ अ मीडियम दे प्रोड्यूसनाइजेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वो अट्रैक्शन की वजह से पैदा करते हैं ये रिपल्शन की वजह से पैदा करते हैं वो सीधी लाइन में होते हैं और ये सीधी लाइन में नहीं होते इनका कोई अपना एक सीधा पाथ नहीं होता अ पार्टिकल विच प्रोड्यूस मोर आर्गनाइजेशन इज लैस पेनिट्रेटिंग वाई देखें अ पार्टिकल विथ ग्रेटर आर्गनाइजेशन पावर लूज इट्स एनर्जी फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस सो इट रेंज इन दैट मीडियम इज स्मॉल एंड इट कैन नॉट पेन्यूट्रेट थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस जो ही वो टकराएगा आर्गनाइजेशन करना शुरू कर देगा सारी की सारी अपनी एनर्जी वहीं पर खार, खारिज कर देगा और शॉर्ट डिस्टेंस तय करते हुए ज्यादा अंदर तक वो नहीं जा पाएगा क्योंकि एनर्जी सारी की सारी लॉस कर चुका होता है इसलिए वो लेस पेनिट्रेट होता है वट इंफॉर्मेशन इज रि रिवेल्ड अ लेंथ एंड शेप ऑफ ट्रैक्स ऑफ एन इंसीडेंट पार्टिकल्स इन विल्सन क्लाउड चैम्बर हमें उनके पाथ से विल्सन क्लाउड चैम्बर में क्या वो मालूम मिलती हैं देखें थिक स्ट्रेट एंड कॉन्टीन्यूस ट्रैक आर प्रोड्यूस ड्यू टू इंटेंस आयनाइजेशन एल्फा पार्टिकल्स लीव सच ट्रैक्स ये जो होगा स्ट्रेट होगा कॉन्टीन्यूस होगा पाथ तो ये कौन पैदा करता है ये अल्फ़ा ट्रैक्स लेफ्ट बीटा पार्टिकल्स आर थिन बारीक होते हैं डिसकॉन्टीन्यूस बेकायदा से होते हैं एंड इरेटिक यानी ये भी उसी टर्म में आ जाता है सीधे नहीं होते विच शो फ्रीक्वेंट डिफ्लेक्शन गैमर इज शो नो डिफर डेफिनेट ट्रैक विच मीन दैट आयोनाइेशन पावर इज वेरी समॉल उनके आयोनाइेशन पावर बहुत कम होती है ये हमें मिलते हैं जो विल्सम क्लाउंट चैम्बर में उसके बाद है वाई मस्ट अ गिगर मोलर ट्यूब फॉर डिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स हैव अ वेरी थिन विंडो विंडो का होना थिन विंडो का होना वहां पर क्यों जरूरी है वाई अ गिगर मोलर ट्यूब फॉर डिटेक्टिंग गैमर रेज नाट नीड अ विंडो तो जब गैमर रेज हमें डिटेक्ट करनी है तो तब विंडो की जरूरत हमें क्यों नहीं है तो देखें वो कहते हैं द विंडो इन द गिगल मूलर ट्यूब इज़ यूज टू प्रोवाइड फॉर द एंट्री ऑफ पार्टिकल्स जो हम वहाँ पर स्ट्राइक uh, करवा रहे होते हैं उसकी पिक्चर में आप देखें तो उस विंडो से हम वो पार्टिकल्स गुजारते हैं सिंस एल्फ बीटा पार्टिकल्स डो नॉट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस जो अल्फा और बीटा पार्टिकल हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते इन अ पार्टिकुलर मीडियम ड्यू टू देर आयनाइजेशन एंड क्विकली लूज एनर्जी क्योंकि वो आयनाइजेशन क्रिएट करके एनर्जी सारी की सारी अपनी जल्द ही लूज कर देते हैं इस वजह से देअ फोर वो कहता है द विंडो प्रोवाइड्स एन ईजी पाथ ऑफ एंट्री ऑफ लो एनर्जी पार्टिकल्स इनको वो क्या करते हैं एक पात फ्राह्म करते हैं आसानी से गुजरने के लिए सीधा रास्ता दिखाते हैं दूसरे लफ्जों में वेयर एज द गेम ऑफ रेडिएशन इज हाईली पेनिट्रेटिंग दे एंड दे डो नाट रिक्वायर ए थिन विंडो उनको वो क्योंकि बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग उनकी पावर होती है उन्हें किसी विंडो की जरूरत नहीं होती उनको पाथ दिखाने की जरूरत नहीं होती उसके बाद आई डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स हमने uh, किसको सॉलिड स्टेट का जो है वो प्रिंसिपल पढ़ना है और रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन पढ़नी है ये देखते हैं जनरेशन द एंट्री ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल इन द रीजन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा कर देती है इंट्री जूँ ही उनकी होती है इंसीडेंट पार्टिकल की अब क्या है इलेक्ट्रॉन्स मूव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड होल्स मूव टू नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पर नेगेटिव क्या पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है टर्मिनल ऑफ द बैटरी ठीक है दिस प्रोड्यूस अ करंट पल्स प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल जिस हमने एनर्जी की इंसिडेंट जो रेडिएट रेडिएशन उन पर गिराई थी उसी की ही करंट पल्स पैदा हो जाएगी उसी ही जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी करंट पल्स उतनी ज़्यादा होगी जितनी कम होगी उतनी करंट पल्स भी कम होगी तो अब क्या आया था करंट पल्स इज एम्पलीफाइड बाय रिकॉर्डेड उसको एम्प्लीफाई करके एंड uh, रिकॉर्ड कर लिया जाता है उसको चेक एंड बैलेंस कर लिया जाता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ पार्टिकल रजिस्टरिंग अ पार्टिकल द जंक्शन बिकम्स नॉन कंडक्टिंग अनटिल एन अदर पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो एक पल्स पैदा हुई एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से एक पल्स पैदा हुई उसको रजिस्टर कर लिया गया उसको चेक कर लिया गया और फिर जो है वो जंक्शन क्या हो जाता है नॉन कंडक्टिंग हो जाता है जंक्शन कब तक जब तक एक और इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये वाला प्रोसेस नहीं करता उस तब तक वट डू यू मीन बाय टर्म क्रिटिकल मास क्रिटिकल मास से क्या मराद है देखें इसमें मे जी द मास ऑफ यूरेनियम इन विच वन न्यूट्रॉन आउट ऑफ आल न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन वन फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस फर्दर फिशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मास यानी हमें फर्दर चेन रिएक्शन जो होता है फिशन का वो प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम की कम से कम जो मकदार चाहिए तमाम न्यूट्रॉन्स में से कोई थोड़े से थोड़े से न्यूट्रॉन के मिकदार वो क्या कहलाएगी हमारे पास वो क्रिटिकल मास कहलाएगी उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर थर्टीन वो कहता है डिस्कस द एडवेंटेजेस एंड डिस ऑफ न्यूक्लियर पावर कंपेयर टू तो द यूज़ ऑफ फ़ॉसिल फ्यूल जनरेटेड पावर हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे कि फ़ॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर वाले जो हैं इनके क्या बेनिफिट क्या नुकसान है देखें वो कहता है न्यूक्लियर पावर इज़ वेरी चीप एंड सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर अबोडेंट इन नेचर ये कसरत से पाए जाते हैं ठीक है उसके बाद फोसल फ्यूल इज़ वेरी कॉस्टली वो सस्ते होते हैं ये महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर पावर एंड इट प्रोड्यूस पोल्यूशन ये आलूदगी भी पैदा करते हैं ड्यू टू तो स्मोक धुएँ की वजह से न्यूक्लियर पावर इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज अब ये उसका नुकसान भी है कि इन न्यूक्लियर पावर प्लाट्स वेरी रिएक्टिव आइसोटोप आर प्रोड्यूसड विच प्रोड्यूस रेडियशन तो वो आ, ताबकारी शुआं जो हैं उनसे हमारा नुकसान भी होता है तो ये उनके नुकसाना भी हैं वट फैक्टर्स मेक अ फिशन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव कौन से फैक्टर हैं जो ये फिशन रिएक्शन को पैदा करने में क्या फिशन रिएक्शन हासिल करने के लिए फ्यूजन सॉरी फ्यूजन रिएक्शन हासिल करने के लिए मुश्किल पेश आती है हमें देखिए फ्यूजन रिएक्शन रिक्वायर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी की मकदार ज़रूरत है इस रिएक्शन को करवाने के लिए अटम्परेचर ऑफ़ मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ सेंट ग्रेड इज रिक्वायर टू स्टार्ट दिस रिएक्शन अब इतना इतना दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हमें चाहिए दिस टेम्परेचर इज़ अचीव ड्यूरिंग द एक्सप्लूजन ये धमाके की मदद से हासिल होता है ऑफ एन एटम बम यानी इसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें ऐटम बम चलाना पड़ेगा बट दिस टेम्परेचर यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है तो बट दिस टेम्परेचर कैन बी कैन वी हैड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम अब ये टेम्परेचर मिलेगा भी हमें किसके लिए थोड़े से टाइम के लिए तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज फॉर पीसफुल पर्पज़ कैन नॉट बी यूज फॉर पीसफुल पर्पज तो ये पर तो जो तरीका कार है ये अमन के लिए सही नहीं है डिस्कस द एडवाटेजेस एंड डिस एडवांटेज ऑफिशंट पावर फॉर अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी पोल्यूशन और एंड रिसोर्सेज तो ये पोल्यूशन रिसोर्स और सेफ्टी के लिहाज से इसके फायदे और नुकसान बताने फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, विच हैज़ वेरी लो कॉस्ट बहुत ही कम पैसों में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता है ये रिएक्शन वेरी हाई प्रिकॉशनरी मैयर्स आर नीडेड टू हैंडल इट हमें बहुत अली दर्जे तक जाके इसको कंट्रोल करने के लिए तदाबीर की ज़रूरत होती है इट डज़ नाट प्रोड्यूसड पोलियोशन ये आलूगी भी पैदा नहीं करता इट रिसोर्स आर नॉट ईज़िली अवेलेबल तो ये इनके जो रिसोर्सेज हैं ये ईजीली अवेलेबल नहीं है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्राउंड रेडिएशन स्टेट टू सोर्स ऑफ दिस रेडिएशन बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती हैं और इनके कुछ वो कहता है आप बताएँ रिसोर्स क्या हैं देखें दीगर मोल ट्यूब रिकॉर्ड रेडिएशन वेन देर इज़ नो रेडियो एक्टिव सोर्स वो रेडिएशन तब भी रिकॉर्ड कर रहा है जब हमारे पास एक्टिव सोर्स है ही नहीं दिस इज़ कास्ड बाय रेडिएशन कार्ड बैकग्राउंड रेडिएशन ये जो रेडिएशन वहाँ रिकॉर्डेड हो रही होती हैं वो कौन सी होती हैं वो बैकग्राउंड रेडिएशन ये कहाँ से आती हैं देखें बैकग्राउंड रेडिएशन आर काज ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशन विच कम्स टू अस फ्राम आउटर स्पेस हमारे ज़मीन के बाहर से जो हमारे तक आती हैं एंड फ्राम नेचुरली अक्रग रेडियो एक्टिव सबस्टांस प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट जैसे मट्टी वगैरह हो गई और जो हमारी ज़मीन की तय में मौजूद जो चीज़ें हैं उनसे जो रेज निकलती हैं ये वो वाली रेज होती हैं जी उसके बाद सेवेंटीन है इफ़ यू सोलड एन एल्फा सोर्स एंड बीटा सोर्स विच वुड बी द मोर डेंजरस टू यू एक्सप्लन बाय अगर ये दोनों हमारे जिसम में पार हो जाए तो वो कहते हैं कौन सा जो है आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा जो नुकसान दे सकता पार, है अल्फा पार्टिकल्स आर मोर आर्गेनाइजेशन दैन बीटा पार्टिकल बट रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज़ मोर देन अल्फा पार्टिकल्स तो नॉर्मली द डैमेज डन बाय अल्फा पार्टिकल्स इज़ सम क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे अंदर बट इफ़ द एल्फ़ा पार्टिकल्स एंटर द बॉडी एंड द रियल थिंग विच मैटर इज़ द आयोनाइजेशन पावर ऑफ द पार्टिकल तो ये गुजर के क्या कर देंगे आयोनाइेशन कर देंगे देर फॉर आल फॉर पार्टिकल आर मोर डेंजरस क्योंकि गुजरते ही ये क्या कर देंगे हमारे अंदर के मौजूद मालिक्यूल्स यूज़ बॉन्ड वगैरह को तोड़ डालेंगे तो उनकी जो है ये तबाही कर देंगे तो ये ज़्यादा जो है क्योंकि आयोनाइज कर देते हैं चीज़ को तो ये ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए जो ये क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद विच रेडिएशन डज डिपोजिट मोर एनर्जी टू योर बॉडी दस मिली गै टू योर हैंड और वन मिली गै टू तो योर इंटायर बॉडी वन मिली गै अगर uh, जिसम के अंदर चला जाए या फिर वो कहता है दस मिली आपके हाथ पर हो तो कौन सी चीज़ आपका ज़्यादा नुकसान कर सकती है देखें डी डी इज इक्वल टू ई ओवर एम होता है और ई इज इक्वल टू एम क्रॉस डी हो जाएगा वन गै इज इक्वल टू किलो जो, uh, जोल किलोग्राम पर किलोग्राम सॉरी तो देखें एनर्जी ऑब्जॉर्व ड्यू टू द डोज ऑफ टेन माए गए टेन मिली गया टू हैंड इज एनर्जी जो टेन मिली गए जो ऑब्ज़ॉर्व की किसने हैंड ने ई वन की बात देखें एम एच यानी मास ऑफ हैंड मल्टीप्लाई बाय टेन में जो उसकी मकदार है तो ये हमारे पास आ जाता है इतना टेन क्रस टेन पावर माइनस थ्री जोल और पर किलोग्राम पर किलोग्राम तो एम वन ये तकरीबन इतनी अमाउंट निकल आती है वेयर एम हैंड इज़ द मैस ऑफ हैंड एनर्जी ऑब्जॉर्व ड्यू टू डोज ऑफ़ वन मिली गए टू तो इंटायर बॉडी इंटायर बॉडी के लिए देखें एम बी और ये वो वन मिली गए जो उसने ऑब्जॉर्व की तो ये इतना निकल आया इसको ई टू की वैल्यू देखते हैं तो ये हमारे पास टेन क्रास टेन वो, आ, टेन रेज पावर माइनस थ्री जो लिए आ जाता है सिंस देखे मैस ऑफ बॉडी इज वेरी लार्ज अब ये वैल्यूज तो निकाल नहीं अब यहाँ पर मास हमें नहीं मालूम तो मास ऑफ बॉडी ये तो पता है कॉमन सेंस की बात है वेरी लार्ज देन द मास ऑफ हैंड देयर फॉर ई टू विल बी ग्रेटर देन ई वन तो जो ई टू जो है जो मास ऑफ बॉडी वाली एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी किससे मास ऑफ हैंड वाली से तो उसके बाद है वट इज रेडियो एक्टिव ट्रेसर रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होता है डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन ईच इन मेडिसिन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री तो इसके लिए वो कहता है सी टॉपिक ट्रेसर टेक्निक फॉर द डिटेल ये जो है उर्दू की सॉरी आप वहाँ से इसको टॉपिक को बुक से पढ़ेंगे वहाँ से ये नजर आ जाएगा आपको हाउ कैन रेडियो एक्टिविटी हेल्प इन नेचर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर तो ये रेडियो एक्टिविटी देखें वन सर्टन टाइप ऑफ रेडिएशन फॉल ऑन द कैंसर इज सेल्फ दे ऑब्जॉर्व मोर रेडिएशंस एंड आर मोर इजीली डिस्ट्रॉयड दैन नॉर्मल सेल्स बाय आयनाइजेशन रेडियशन तो ये इर्द गिर्द के बिल ये वाला हिस्सा जो था ये इसके इर्द गिर्द भी सेल्स होंगे जिसमें तो हम इसी पर ये गिराते हैं वो वाला हिस्सा इनको ऑब्ज़र्व करके वही वाला हिस्सा वही सेल मर जाते हैं इर्द गिर्द के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ये उनको नुकसान नहीं पहुँचाता ये वाला तरीका फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कोबाल्ट सिक्सटी यूनिट्स गेमा रेडिएशन विच डिस्ट्राय कैंसर सेल्स उसके बाद है रेडियो आयोडीन इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आप थायराइड गैलैंड जो की बीमारी होती है जो गला बढ़ जाता है उसके लिए ये वाली चीज़ इस्तेमाल होती है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझ में मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज़